हेलो एवरीवन, हम बात करने वाले हैं स्नाइडर की VFD के एरर कोड, फॉल्ट फाइंडिंग और अलार्म्स के बारे में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑफ मेरे चैनल पे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड और VFD के सारी की सारी VFDs के फॉल्ट फाइंडिंग की वीडियो हैं, फॉल्ट फाइंडिंग और ट्रबल शूटिंग की। और मैंने एक बुक का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस बुक को परचेज करके पढ़ सकते हैं, उससे आपके इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के स्किल्स डेवलप होंगे। अगर आप किसी भी टाइप का एनक्लोजर बॉक्स खरीदना चाहते हैं या इलेक्ट्रिकल पैनल, किसी भी टाइप का पैनल खरीदना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं aldomindia@gmail.com पर। स्नाइडर की VFD का एक एरर कोड है OC2, ओवर करंट डीएक्चुअलेशन। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, जब हमारी VFD हम मोटर को स्टॉप करते हैं ना, तो स्टॉप कंडीशन में मोटर हमारी इंस्टेंट रुकती है, मतलब बहुत जल्दी रोक रहे हैं मोटर को, तो उस केस में ये एरर आ जाता है। ठीक है, तो मतलब उस टाइम पे ओवर करंट हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका डीएक्चुअलेशन टाइम बढ़ाना है। ठीक है, तो एक या फिर दूसरा रीजन इसका क्या हो सकता है कि ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है, या तो ग्राउंड फॉल्ट हो गया हो या फिर डीएक्चुअलेशन टाइम जो है वो बहुत कम हो। ठीक, तो हमें दो चीज़ें करनी है। एक तो ये करना है कि इंक्रीज द डीएक्चुअलेशन टाइम पैरामीटर DEC और F501। ठीक है, तो यह तो हमें ये करना है। ठीक, DEC F501 ये हो सकता है एक तो। ठीक है, DEC F501, और दूसरा क्या हो सकता है, जो पैरामीटर नंबर है इसमें हम लोग सेट कर सकते हैं 103। ठीक, ग्राउंड फॉल्ट भी हो सकता है, ग्राउंड फॉल्ट जो हमारी मोटर है वो उसकी ग्राउंडिंग प्रॉपर ना हो। ठीक है, ये भी एक रीज़न हो सकता है, तो ग्राउंडिंग का भी हमें देखना है कि ग्राउंडिंग की वजह से तो नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये दोनों तीनों रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अगर आप एक बार मोटर जो आउटपुट है ना VFD की, और VFD की आउटपुट से लेकर मोटर तक हमें ये चेक कर लेना है कि कहीं पे वायर हमारी ब्रेक तो नहीं है। ठीक है, और ग्राउंड पे टच तो नहीं हो रही कहीं पे। ठीक है, तो ये रीज़न हो सकता है। तो चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दूसरा ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल पैनल या फिर पैनल बॉक्स, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है aldomindia@gmail.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपको किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिकल कैबिनेट परचेज करना है अगर, तो आप मेल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो चलिए ठीक है, थैंक यू।